अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 29 तारीख को 9 बजे सहवाज और अतीश उर्फ सोनू ने सिंह और आदिल ने अपने रूम ले गए, सोनू के रूम ले गए, सोनू अपने रूम में ले गया। उसने मेरे साथ में तीनों ने बारी बारी से बलात्कार किया और मैं चिल्लाने की कोशिश करी, मेरा मुंह दबा लिया, जान से मारने की धमकी दी। इनमें तीनों में से किसी एक को आप जानती? मैं तीनों को पहचानती हूँ अच्छी तरह। पहले से जानती थी? पहले से नहीं जानती थी। जब ये मेरा उन लोगों ने बलात्कार किया, जब से मैं उसके नंबर से मैंने उनको पकड़ाया। कहाँ पे ले गए थे? कार से मुझे पहले होटल ले गए थे, फिर मेरे रूम ले गए, गुड्डू की ट्रेंडी ले गए थे, फैक्ट्री गेट पास करी, फिर सीधे रूम ले गए थे। तो कार में उन्होंने हरकतें करी थी? हाँ, छेड़ रहे थे मुझे, लग थी गाड़ी। आपने शोर नहीं मचाया था जब आपको ये लेके जा रहे थे? शोर मचाया था, लग थी गाड़ी ना। संपर्क में कैसे आए उनके? रॉन्ग नंबर से फ़ोन लग गया था उसका। रॉन्ग नंबर से? हाँ। फिर आपने पलट के फ़ोन किया? मैंने पलट के नहीं फ़ोन किया। जब राम नंबर फोन तो आपने बात करी उस पर? मैंने रिसीव किया, वो मुझे चुंगी पर बुलाया, मैंने साफ मना कर दिया मैं नहीं आ सकती। बस उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में, तीनों लोग ने बैठाया, आदिल सोनू अतीश सोनू सिंह ने। तो जब आप चुंगी पे देखे कहाँ पर बैठा लोग गाड़ी पर? उन्हीं ने मखदूम सारा तख्त के पास वहीं पर से बैठा के ले गए गंगा पार की ओर। 9 बज रहा था जब मुझे रूम मिले गए, तो 2:30 तक बलात्कार किया, वहाँ से मुझे छोड़ा यहाँ सुपर टेंडरी में, मुझे उतार दिया, तीनों लोग चले गए जान से मारने के धमकी। बस यही मेरी दिक्कत। तो मैं गई 30 तारीख को, मतलब 3:30 बज गया था जब बलात्कार किया, 30 तारीख लग गया था। थाना चकेरी में एक मुकदमा कल पंजीकृत किया गया है, एक महिला की तहरीर पर, शादीशुदा महिला है, जिसके द्वारा तहरीर दी गई कि 3 लड़कों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज उनको जेल भेजा जा रहा है।